हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हॉक वर्ल्ड एम सिटी के अंदर, जहाँ पर हॉकमैन अपनी एक सेना लेकर अंदर घुस चुका था और वो उन सबसे कह रहा था कि सबको जोर से मारो, सबको बहुत जोर से मारो और प्रिजनर्स को छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं हॉकमैन को अपने बहुत ही भयानक फॉर्म में, जो एक एक करके उन सभी को मार रहा था। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है। एक बार जो 12 विलन्स और हीरोज मर चुके थे, वो रिजरेक्ट हो चुके हैं एक लाइट की वजह से, जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आ चुकी है। लेकिन उन सभी का वापस आना अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि यह है ब्राइटेस्ट डे। आगे हॉकमैन कह रहा था फाइट वहाँ पर ले चलो जहाँ पर उनकी सिटी है और जहाँ पर उनकी पैतरेबाजी चल नहीं सकती, और उनके एलिमेंट्स ले लो। और उसका साथ दे रहा था लाइनमैन प्राइड का लीडर टोनरा, जो लाइनमैन से कह रहा था कि अपने पीठ के ऊपर के वो एंथ ओर्स रिमूव करो और लड़ो। यहाँ पर एक सोल्जर को हॉकमैन पकड़ कर दूसरी तरफ ले जाते हुए कहता है कि चलो बात करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, और उसी के पीछे टोनरा था। यहाँ पर टोनरार हॉकमैन से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राइड के साथ यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहिए और तुम्हें दूसरी तरफ से आकर अटैक करना होगा। तब हॉकमैन कहता है तुम्हें जो करना है वो करो टोनरार, तुम्हारे पास तुम्हारा मिशन है और मेरे पास मेरा। यहाँ पर उस सोल्जर की तरफ बढ़ते हुए हॉकमैन पहले तो उसके दो पंख काट देता है और आगे वो उससे कुछ पूछने चाहता ही है, जब तक उस सोल्जर कहता है कि हम अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करते हो, मैं तुम्हें कुछ। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, हॉकमैन उसके पंख तोड़ देता है और उसका हाथ पकड़ कर वो कहता है मैं तुम्हें फाड़ता रहूंगा लिम से लिम तक, एक जोर से दूसरे जोर तक, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते जो मुझे जानना है। तब वो कहता है नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे पता है वो कहाँ पर है। तब हॉकमैन कहता है मैं सुन रहा हूँ। तब हम देखते हैं हॉक गर्ल को इन सिटी के अंदर, यहाँ पर हाथ सेट उसे कुछ दिखाते हुए कह रहा था ये ब्यूटीफुल है ना, और ये मेरा खुद का आर्ट है, इन टाइमलेस मैग्नम्स के बीच में मैंने ये आर्ट वर्क किया है, तुम्हारे अनलेस लाइफ्स को कुछ मीनिंग दी है मैंने। और तब हम देखते हैं उस गेट को जो उन दोनों के यानी कि हॉकमैन और हॉकगर्ल के पिछले जन्मों के कुछ बचे हुए हड्डियों से बने हुए थे, जिसे देखते हुए हाथ सेट कह रहा था अगर मैंने इसे म्यूजियम में रख दिया तो मुझे पता है कि इसके ऊपर एक ही नाम फिट होगा, अ लेजेसी ऑफ डेथ। और तब हम देखते हैं कि हॉकगर्ल को उसने कैद कर रखा था। आगे वो हॉकगर्ल की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो इन तेरी आंखों को देखो, लेकिन हॉकगर्ल उसे पूछती है कि तुम इसके साथ करने क्या वाले हो, तुम्हें वो मिल चुका है जो तुम्हें चाहिए था और उसके जरिए तुम हॉकवर्ल्ड तक आकर मेरी कत्तार माँ के साथ मिल चुके हो। तब वो आगे कहता है हाँ सही कहा हॉकगर्ल, लेकिन ये मेरे लिए और क्वीन के लिए एक राउंड ट्रिप है। तब वो आगे उससे कहता है जब मुझे रियलाइज हुआ कि ब्लैक लैंटर्न्स ने तुम्हें मार दिया तो पहली बार 2000 सालों में मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं मरे। लेकिन तब हॉकगर्ल उसे कहती है और यही बात मुझे भी बहुत बुरी लगती है कि पहली बार तुम मेरे हाथों से मरोगे। तब उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए हॉकसेट कहता है और भी कुछ एन्चेंटिंग है तुम्हारे बारे में, जब मैं तुम्हारा और तुम्हारे उस हॉकमैन का दिल अपने हाथ में लेकर, और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता हॉकगर्ल उसके मुंह पर थूक देती है और इसी वजह से गुस्से में हाथ सेट उसे टक्कर मारता है, और खून बहने के बावजूद भी हॉकगर्ल उसकी तरफ घूरते हुए कहती है तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज आएगी, तुम्हारे खुद के गट्स, और ये उस गट्स को मिटा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये सुनते ही हाथ सेट हॉकगर्ल को मारते हुए उससे कहता है तो फाइनली एक ही चीज एंड होगी हॉकगर्ल, तुम। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे ही हाथ हॉकगर्ल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी हॉकगर्ल की माँ आकर उसे रोकते हुए कहती है रुको हाथ, अटैक शुरू हो चुका है और इसी के साथ हमारी न्यू वर्ल्ड की जर्नी भी। तब आगे हाथ कहता है अच्छा हुआ वो खुद ही आ गए, हमें उन्हें जंगल में ढूंढने की तकलीफ नहीं हुई। तब हॉकगर्ल पूछती है अटैक कैसा अटैक, तब उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है ये कल ही की बात लगती है जब तुम एक बच्ची थी और मैं अपना दूध तुम्हारे होठों से साफ किया करती थी, और तुम्हारा ये खुफू या कार्टर जो भी है वो अपनी आर्मी के साथ मेरे यानी के मेरी सिटी के
हार्ट के अंदर पहुंचकर तुम्हें ढूंढ रहा है। तब हार्टसेट कहता है, इसका मतलब ये है कि दोनों की हमारे हाथ में आने वाली है। तब उसकी माँ आगे कहती है, हाँ लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम पहली की इंसर्ट करें, उसे उस गेट में रखो और इतना ख्याल रखना कि यह बहुत जोर से चिल्लाए। तब हार्टसेट कहता है, हाँ आपका हुक्म सराको पर मेरी क्वीन। यहाँ पर हम देखते हैं हॉकमैन को जो बिजली की तेजी से उन सभी को मारते हुए अपने प्यार की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर हॉक गर्ल को उस गेट के अंदर ठोका जा रहा था, यानी कि एक हड्डी के जरिए उसके हाथ को उस गेट पर बांध दिया गया था और उस हड्डी को एक किल की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा था। तब उसे देखते हुए उसकी माँ कहती है, तुम इस सर्कल को पूरा कर दोगी चायरा। और यहाँ पर हॉकमैन चायरा को सुन सकता था, उसकी चीखों को सुन सकता था। और आगे उसकी माँ उससे कहती है, मैं तुम्हें पैदा करते वक्त बहुत चिल्लाई थी, बहुत पेन से गुजरी थी और आज किसी अलग तरीके से तुम इस गेट को चार्ज करके मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दोगी और इसी तरीके से तुम मुझे जन्म दोगी आज, एक नया जन्म। और वो आगे हाथ सेट से कहती है, इसकी आवाज बढ़ाओ। तब हाथ और जोर से उस पर मारने लगता है और ये सुनकर हॉकमैन बौखला जाता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हॉक गर्ल उस गेट को चार्ज करना शुरू कर चुकी थी और उसे देखते हुए उसकी माँ उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सोलमेट खुफू ये सुन रहा होगा और जैसे ही वो सुनेगा तुम्हारी उस दिल दहला देने वाली आवाज को, तब वो यहाँ पर ना पहुँचने के डिप्रेशन में बहुत ज्यादा झटपटाएगा और तब तक वो आने में देर है, इसलिए तुम्हारे मन में जो सवाल है मैं उनके आंसर दे देती हूँ। तब शुरू होता है हॉक गर्ल, हॉकमैन और उसकी माँ का, यानी कि हॉक गर्ल की माँ का फ्लैशबैक। वो कहती है, तुम जानती ही हो कि तुम्हारे पिता मर चुके थे, तो मैंने तुम्हें बिना बताए जायरा फराओ से शादी कर ली, इसी वजह से क्योंकि प्रिंस कुकू और तुम शादी करने वाले थे, लेकिन हमें प्रिंस कुकू की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, उसके फादर जो चाहते नहीं थे वो वही कर रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से डीपली प्यार करते, इससे पहले ही मैंने ये डिसीजन ले लिया क्योंकि तुम्हारी यूनियन को तोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन तब सब कुछ चेंज हो गया जब फैराओ के ट्रस्टेड एडवाइजर की भविष्यवाणी सच हो गई और हमें थनागारियन शिप मिली उन मेटल्स के साथ जिन्हें एंथ मेटल कहा जाता है और जो एलियन के पावर सकते हैं। उन्हें एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि उनके पास अमेजिंग प्रॉपर्टीज है जो कि हिस्ट्री के कोर्स को पलट के रख सकती है और अब इजिप्ट की हिस्ट्री शाइनिंग होने वाली थी। यहाँ पर वो आगे कहती है, लेकिन तुम्हारे स्टेप फादर फैराओ किसी भी एस्पिरेशंस और किसी भी विजन के बिना जीते थे। वो टैलेंटेड मैन थे मैनेज करने में स्टेट्स को और किसी भी तरह के छोटे मोटे झगड़ों या फिर किसी भी जंग को, लेकिन उनके पास कोई कंटेंट नहीं था। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, हाथ सेट का प्यार और विजन मुझे इंस्पायर कर रहे थे, तुम्हारे डैड को ये एग्री नहीं था। तब हॉगल कहती है, और इसी वजह से तुमने फैराओ को मार दिया क्योंकि उनके पास कॉन्क्विस्ट नहीं था उनके माइंड में। तब वो कहती है, उनके पास एंथ मेटल था हाथों में, लेकिन फिर भी उन्होंने फिलोसफी की, उसके बदले अगर वो वेपन बनाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो तुम ये कह सकती हो कि उनकी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ विल की वजह से ही वो मारे जा चुके हैं। यहाँ पर वो आगे कहती है, और जो भी मैंने किया वो इजिप्ट के लिए, तुम्हारे लिए और सबके लिए किया। तब चायरा कहती है, तुमने सिर्फ अपने आप के लिए सब किया मदर, किसी और के लिए नहीं। आगे उसकी माँ उससे कहती है, हाथ सेट ने मुझे दिखाया फ्यूचर जिसका पार्ट खुफू नहीं था। वो आगे बताती है, और जो गाइडलाइंस उसने प्रोवाइड की थी उस कर्ज के बारे में वो भी सही थी। एक बार अगर हाथ सेट और मैं तुम्हारी स्किन को कट कर लेते एंथ मेटल के डैगर के साथ और तुम्हारे उस खून के साथ वो डैगर भर जाता तो वो भविष्यवाणी सच होने वाली थी और हम इमॉर्टल बनने वाले थे। आगे हॉगल उसे कहती है, तुमने ये जो भी किया तख्ता पलट करने के लिए किया, तुमने गद्दारी की अपने पति के साथ, अपने इजिप्ट के साथ और अपनी बेटी के साथ। तब वो कहती है कि एक आदमी की तख्ता पलट दूसरे के लिए एम्बिशन हो सकती है, लेकिन कुछ साल रूल करने के बाद मैं एक एडवेंचर पर निकल गई और मैंने ढूंढ लिया सोर्स ऑफ एंथ मेटल और उसी के साथ मुझे एक ऐसा वर्ल्ड मिला जो कि एक वुमन के टच के लिए तरस रहा था और मैं यहीं पर आ गई और मैं जितना सोच रही थी उससे ज्यादा मैं यहाँ पर रुक गई। वो आगे कहती है कि मैंने जो किया जो सिटी बिल्ड की मेरे इंस्पिरेशंस पर ना कि फैराओ के, और जो मैंने सिविलाइजेशन खड़ी की उस पर मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है। तब तक हम देखते हैं कि हाथ सेट और सभी को पता चल चुका था कि हॉकमैन वहां पर आ रहा है।
तभी हम देखते हैं हॉकमैन को खून में लथपथ, जो बढ़ रहा था शायरा की तरफ, और कार्टर और शायरा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और शायरा की तरफ बढ़ते हुए वो हाथ सेट और हॉगल की माँ को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ता है, जिस वजह से हाथ सेट जाकर हॉगल के पैरों के बीच में जाकर फंस जाता है और उसे वहीं पर दबाकर हॉगल उसे मार रही थी और कह रही थी अब मेरी बारी है हाथ। और यहाँ पर हॉगल शायरा की माँ को पकड़ कर उससे कह रहा था, मुझे नहीं पता कि क्वीन आप यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन जो भी आपने अपनी डॉटर के साथ किया उसके बाद मैं आपको एक भी चांस नहीं देने वाला। यहाँ पर हाथ सेट बहुत तकलीफ में था और शायरा उससे कह रही थी, तो अब बताओ हाथ की कैसा लगता है जब तुम्हारी आखिरी सांस तुम्हारे गले में हो, और तब कैसा लगता है जब तुम कार्टर या मुझे एक दूसरे से जुदा करने के काबिल ना रहे हो, तो अब बताओ कि हारने के बाद कैसा लगता है हाथ। लेकिन यहाँ पर हॉकमैन मुसीबत में था, क्योंकि शायरा की माँ बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो कह रही थी कि मुझे क्वीन श्रेक कहो, और वो उसके हाथ से वो एंथ मेटल के माइस हवा में उछालते हुए उस पर हमला कर देती है और कहती है, मैं एंथ मेटल की बनी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ और तुम्हारे इस हथियार में वही है। यहाँ पर हाथ सेट पूरी तरह से मर चुका था और वो वहीं पर उस गेट में लटका हुआ था। यहाँ पर हॉकमैन को हॉक गर्ल की माँ उठाते हुए कहती है, तुम देख ही चुके हो कि मैं ऑब्जेक्ट्स को नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम्हारी बॉडीज ने ग्रेट अमाउंट ऑफ एंथ मेटल एब्जॉर्ब किया है, लेकिन इस वजह से तुम मुझसे किसी भी मामले में ज्यादा महान नहीं हो सकते। जितना पावर तुम्हारी बॉडीज ने एब्जॉर्ब किया है उससे कहीं ज्यादा मैं एंथ मेटल के बारे में जानती हूँ, और एंथ मेटल की पावर कंट्रोल करने के बारे में तुम मेरा सामना कभी नहीं कर सकते, और इसी वजह से मैं तुम्हें किसी पपेट की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। और वो ऐसा ही करती है और हॉकमैन को उस गेट के ऊपर टांग देती है। यहाँ पर हॉकमैन और हॉकगर्ल दोनों ही उस गेट के ऊपर थे। यहाँ पर हॉकगर्ल की माँ कह रही थी, अब जैसा कि मैं चाहती थी वैसा ही अब हो रहा है। तब हॉकमैन कहता है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही जगह है, हेल अपने लैपटॉप हाथ सेट के साथ। तब हॉकगर्ल की माँ उससे कहती है, तुम नहीं जानते कि हाथ सेट भी इस गेट की था, और वो भी नहीं जानता था, उसने इस कर्ज को शुरू करके अपनी मौत खुद ही लिखती थी। अच्छा हुआ कि तुमने उसे मार दिया इससे पहले कि मैं उसे मारती। और वो उस सब रस्मों को निभाकर अपने आप को पावरफुल कर रही थी और वो कह रही थी, मेरी स्ट्रेंथ अब 1000 times बढ़ चुकी है और अब मेरी वो जर्नी असल में शुरू होगी जिसके लिए मैंने ये सब किया। और अपने मैनहॉक्स को लेकर वो एक तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो अब तुम देखोगे कि मेरा ड्रीम एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। और वो पहुंच जाती है ज़ेवरॉन में। यहाँ दूसरी तरफ गौतम सिटी के वॉच टावर में डव एक सुपर हीरो से बात कर रही थी, जो कह रहा था, हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। तब डव उसे पूछती है कि तुम्हारे पास न्यू पावर क्या आई है। तब वो कहता है, कुछ खास नहीं, लेकिन पिछले ही हफ्ते मैंने साइबॉर्ग को आर्म रेसलिंग में हरा दिया और एक गैस लीक के एक्सीडेंट को बचा दिया। और वो वहीं पर टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, और मैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन उसे देखते हुए डेडमैन कहता है, इसके बारे में छोड़ दो क्योंकि ये वो नहीं है डव। तब डव पूछती है, लेकिन तुम इसने शोर कैसे हो सकते हो बॉस्टन। तब बॉस्टन कहता है, क्योंकि रिंग अभी भी नहीं हिल रही, वो शांत है, और अगर रेजरेक्शन मैन ही वही होता चूजन वन, तो रिंग अब तक उछल कर उसके पास गई होती या फिर उसने कुछ हलचल की होती, तो मुझे यह बताओ कि रिंग उड़कर मुझसे उसके पास क्यों नहीं गई। तब वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, तुम्हें किसकी तलाश है, तुम किसकी राह देख रही हो। तब वो खिड़की के बाहर कुछ देखता है और कहता है, वो देखो वो वापस आ चुका है। और तब हम देखते हैं बैटमैन का सिग्नल ऊपर आसमान में। तब बॉस्टन कहता है, तुम इसी का इंतजार कर रही थी है ना, तुम बैटमैन का इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।